ये मैंने पाइप ले लिया है, अब चल रही हूँ थोड़ा सा। मैं अपना जो फुलवाड़ी है उसमें डालूँगी पानी, और यहाँ पे मैंने सारे कपड़े फैलाए हैं। यहाँ पे सारे मेरे कपड़े फैले हुए हैं, और यहाँ पे मेरा जो गमले वगैरह हैं वो मैंने रखे हैं यहाँ पे, तो इसमें घास भी हो गया है। और मैं छत पे नहीं जा रही थी तो इसकी वजह से यहाँ पे सारे जो गमले हैं मैंने मंगवा लिया है पानी डालने के लिए, ताकि यहाँ पानी पड़ता रहेगा। और ऊपर मैं नहीं जा पा रही हूँ छत पे, इसके वजह से ये सारे जो फूल वगैरह थे बिल्कुल सूख रहे थे, तो इसलिए मैं नीचे सबको मंगवा लिया है फूल वगैरह को, ताकि नीचे रहेगा तो पानी भी पड़ता रहेगा, ऊपर कौन जाएगा। बहुत ज़ोरों से हमारे यहाँ धूप भी हो रही है। और ये मेहंदी बिल्कुल सूख गई थी, बिल्कुल सूख गई थी धूप से, तो अभी पत्ती उसमें से आ रहा है। और यहाँ पे क्या जम, इसके अंदर ये देखिए सोया जम गया, इसके अंदर सोया, ये सोया। इसमें थोड़ा भी खुशबू नहीं है। और ये मेरा दरबा, मुर्गी सब गायब हो गई है तो इधर बिल्कुल सुन्ना सुन्ना लग रहा है, बिल्कुल सुन्ना सुन्ना। और यहाँ पे देखिए मेरा गुलाब जो है खिल रहा है बहुत अच्छे से, और यहाँ पे ये भी बिल्कुल खिला हुआ है गुलाब। और बहुत सारे मेरे गुलाब जो हैं खिलने वाले हैं यहाँ पे, देखिए ये सारे बहुत सारे गुलाब आए हैं, देखिए माशाल्लाह, ये देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए, और ये देखिए, ये देखिए, और कहाँ आए हैं ये देखिए, बहुत सारे, कम से कम 10-15 गुलाब आए हैं मेरे इस गुलाब में, 10-15। बहुत अच्छा लग रहा है देख करके। तो चलिए थोड़ा सा पानी से अंदर डालते हैं। और ये मेरा अमरूद, ये मेरा अमरूद है, बिल्कुल बहुत सारा पत्ता फेंका है इसने, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे, यहाँ पे। और इसके अंदर देखिए क्या दिख रहा है, पहली बार बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, इतना दिखिए यहाँ पे, इतना अच्छा लग रहा है ना ये। इसमें फूल लग रहे हैं, इसमें देखे तो, इधर तो अभी नहीं आए हैं फूल। पानी डालते हैं, और यहाँ पे मैंने लकड़ियाँ रखी हैं जलाने के लिए, जो नहीं हो सका मुझसे, मैं तो मेरी तबीयत ही खराब हो गई।
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on चैनल और कैसे हो आप सभी। मैं हूँ रोशन आरिफ। और अपना जो ब्लॉग है दोपहर से मैंने स्टार्ट किया है और टाइम हो चुके हैं, इस समय टाइम हो चुके हैं 3 बजने वाले हैं। और क्या है कि और मैं आज ब्लॉग बना रही हूँ और एक मैंने वीडियो डाला था तो बहुत मुझे कमेंट आ रहे थे कि आपका ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। तो उसके वजह से मैंने वो वीडियो बनाई थी और वो वीडियो मैं बनाना नहीं चाहती थी क्योंकि मेरी तबीयत तो 15 दिन से ही ख़राब है, लेकिन तो मैंने वीडियो बना दिया तो इसलिए। और आप लोगों ने मेरा मेरे लिए बहुत दुआएं आप लोगों ने की और मेरे पे और अल्लाह का करम है और आप सभी की दुआएं मेरे साथ हैं। जो आज मैं कुछ फ़िलहाल ठीक ठाक हूँ थोड़ी सी, तो आज मैं वीडियो बना रही हूँ और ज़्यादा मैं वीडियो मतलब नहीं बनाऊँगी, जब मेरा दिल करेगा तभी मैं वीडियो बनाऊंगी। वैसे मैं अपना सेहत का बहुत ध्यान ख्याल रखती हूँ, जब मुझे कोई काम करने का दिल करता है तभी करती हूँ, नहीं दिल करता है तो मैं उस काम को छोड़ देती हूँ, नहीं करती हूँ। तो आज मेरा वीडियो बनाने का मन कर रहा था तो मैं वीडियो बना रही हूँ और बस। तो इसलिए तो चलिए आज के ब्लॉग में मेरे बने रहिए और देखती हूँ कि मैं कहाँ तक शूट कर पाती हूँ और कहाँ तक नहीं शूट कर पाती हूँ। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। और एक चीज़ मुझे शेयर भी करनी है, वो क्या है थोड़ी देर में मैं बताऊंगी आप सभी को। और चलिए थोड़ी देर में बताते हैं आपको कि मैं क्या शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। सो फ्रेंड्स, मैंने अभी बोला है आप सभी लोग को कि मैं दिखलाऊंगी अपना जो एक चीज़ मैं दिखलाऊंगी वो क्या है, तो वो है मेरा गिफ्ट। और मुझे तभी मिला था और मैंने जाकर लिया था, और मतलब कि मैंने लाया था और किसने दिलाया था मुझे वही कौन दिलाएगा वही न दिलाएंगे। तो समझ जाएगा आप लोग कि वो मेरा गिफ्ट है, एनिवर्सरी गिफ्ट है। तो वो क्या गिफ्ट है मैं दिखलाऊंगी। और हाँ, मेरे हस्बैंड थोड़ा सा वो क्या है कि वो तो आकर यहाँ बोलेंगे नहीं यहाँ पे आकर कि मैंने तुमको दिया है या इसको मैंने दिया है ये गिफ्ट। तो अब क्या करना है कि मैं ही बता देती हूँ कि मुझे क्या मिला है क्या नहीं मिला है। तो दिखला देती हूँ आप सभी लोग को। और क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना बहुत है तो इसी ज़माने के, लेकिन उनके जो ख्यालात हैं दिलो दिमाग का तो वो बहुत पुराने ख्यालात हैं और वो कभी नहीं कहेंगे यहाँ पे आके कि मैंने तुमको ये दिया है। चलिए मैं बता देती हूँ कि वो क्या है। चलिए मैं दिखलाती हूँ कि मुझे क्या मिला है। और मिला तो यही है, ये देखिए, ये है। तो मैं दिखाती हूँ, शेयर करती हूँ क्योंकि जब मैं कपड़े शेयर कर सकती हूँ और अपना खाना शेयर करती हूँ, अपना लाइफ स्टाइल शेयर करती हूँ, तो ये क्यों नहीं शेयर कर सकती। तो ये भी मैं शेयर कर सकती हूँ ना, तो इसलिए मैं दिखला रही हूँ। तो देखिए ये सब मेरा जो है बहुत बड़ा, इसके वजह से मैंने निकाल कर रख दिया था, सोच रही हूँ कि पहनूँ कि नहीं पहनूँ, पुराना हो जाएगा। तो ये है थोड़ा सा ना, क्या दिख रहा है ना, दिख रहा है ना बाहर है मुन्नी। तो ये है, देखिए कैसा लगा आप सभी लोग को तो बताइएगा जरूर। तो इस तरह से मुझे थोड़ा डिजाइन तो ठीक है लेकिन बहुत
ये थोड़ा सा छोटा होता इस तरह से ना तो अच्छा नहीं लगता, इतना छोटा होता तो, लेकिन ये बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी ठीक है, मेरा फेस भी तो बड़ा है मेरा फेस भी तो बड़ा है, इसलिए ये बड़ा है ना तो चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है चलेगा। चलिए पहनते हैं, देखते हैं कैसा लगता है कैसा नहीं लगता है। तो ये मैंने पहन लिया है यहाँ पे, ज्वेलरी आ गई है, यहाँ पे देखिए आप लोग ज्वेलरी आ गई है, और ज्वेलरी बहुत दिनों के बाद आई है। ज्वेलरी कहाँ गई थी तुम? आ तो ज्वेलरी गई थी, ज्वेलरी कहाँ गई थी? ज्वेलरी गई थी अपने खाला की लड़की की शादी में, बहुत मतलब कि कितने दिन वहाँ पे रही तुम? 10 दिन? अम्मी 10 दिन थी वहाँ पे, इसको छोड़ो, इसको पढ़ने को छोड़ो, पांच थे। तो 5 दिन थी। तो ज्वेलरी आ गई है ये पानी में लग और ये सब पानी पी रही है यहाँ पे। और चल हटा तो, और मैं अब जा रही हूँ, शाम होगी, थोड़ा कुछ बनाऊंगी खाने के लिए नाश्ते में, तो चलती बनाती हूँ कुछ, मैं बनाऊंगी, चलिए बनाते हैं। क्या बनाती हूँ मैं शाम के टाइम? झाल मुड़ी, मैंने दिखा रहा झाल मुड़ी बनाऊँ, चलिए बनाते हैं झाल मुड़ी। यहाँ पे मेरी झाल मुड़ी बन चुकी है और बिल्कुल नॉर्मल, ज़्यादा चटपटा नहीं, हल्का मैंने बनाया, चटपटा ज़्यादा नहीं बनाया है। यहाँ पे देखिए सब क्या कर रही हैं लड़कियाँ। ए लड़की हटो तो, बैठो आराम से। मैं लड़की नहीं हूँ, बेटी हूँ। बेटी हो? अच्छा बेटी, बेटी छोटू कहाँ गए? छोटू ये है चम्मच ज्वेलरी का, मम्मा और तुम्हारा पैर देखो बहुत गंदा है, देखो जैसे है। तो यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ, बनाने जा रही हूँ, सब्जी बना रही हूँ। और ये है मैं बना रही हूँ आज भेजा फ्राई, तो भेजा भेजा फ्राई नहीं, भेजा बना रही हूँ मसाले वाले। लेकिन यहाँ पे मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं किया है, लेकिन बस प्याज फ्राई किया है सरसों तेल में, और मसाले में एक ही में मैंने टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, धनिया, काली मिर्च और जीरा डाल करके पेस्ट बना दिया था। और यहाँ पे डाल दिया है स्वाद के अनुसार नमक। तो इस मसाले को हम अच्छे से भून लेते हैं, और अच्छे से भून लेने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे जो मैंने भेजे बॉईल कर लिए हैं, और भेजे को मैंने बॉईल कर लिए हैं और उसको कट भी कर लिया है। ये भैया को मैंने बॉईल भी कर लिए हैं, कट भी कर लिए हैं, और इस पे बहुत सारे नशे होती हैं, तो नशे को साफ करना पड़ता है बारीक बारीक। और भेजा हम लोगों को खाना चाहिए, इससे दिमाग बढ़ता है। तो बस आज मैं भेजा बना रही हूँ, तो बस देखिए मैं कैसे बनाती हूँ भेजा। भेजा किसने भेजा? तो ये मसाला मेरा भून रहा है, और बस थोड़ा सा बासी और मसाले भूनने में। यहाँ पर देखिए मसाला मेरा भून गया है, और मैं चली गई थी उधर, थोड़ा सा चला तो नहीं है लेकिन फिर भी भून चुका है। तो बस इसमें हम ऐड कर देते हैं ये, और इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम पे
लो फ्लेम पे हल्के से भून लेते हैं। थोड़ा सा हम पान डाल देंगे, थोड़ा सा